काफी समय से अमेरिका आतंकी संगठन तालिबान के आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रहा है। इसके लिए पेंटागन कई ऑपरेशन चला चुका है। सोमवार को भी अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान को टारगेट कर एयर स्ट्राइक की, जिसमें एक ही परिवार के 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 वयस्क और 10 बच्चे शामिल हैं। यूनाइटेड नेशन ने इस हमले की जानकारी दी है। यूएन ने बताया कि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक शनिवार को अफगानिस्तान के तालिबान वाले हिस्से पर की। अमेरिकी सेना पिछले 30 घंटों से अफगानिस्तान के उत्तर में स्थित कुडुंजू प्रांत में युद्ध जारी रखे हुए है। बताया जाता है कि इलाका तालिबान का सबसे मजबूत क्षेत्र है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने घटना के बारे में अपने प्रारंभिक निष्कर्ष में बताया कि इन बच्चों और उनके परिवार को देश युद्ध के चलते विस्थापित किया गया था। उनामा ने इस बात की पुष्टि की कि मारे गए 13 नागरिक हवाई हमले के दौरान ही हताहत हुए थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मारे गए 13 लोगों के अलावा 3 अन्य नागरिक भी इस हमले में घायल हुए हैं। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कुडुंजू शहर के पास तेलवाका नामक जगह के पड़ोस में की। अफगानिस्तान में नाटो के नेतृत्व वाले संकल्प सहायता मिशन के प्रवक्ता सार्जेंट देबरा रिचर्डसन ने रविवार को अमेरिकी सेना द्वारा हवाई हमले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मिशन का उद्देश्य उस इलाके में तालिबान द्वारा सिविलियंस को हताहत करने से रोकना था। आपको बता दें कि इस इलाके में तालिबानी आतंकी जानबूझकर आम जनता के बीच छिपे रहते हैं, जिससे उन पर कार्रवाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है। संयुक्त राष्ट्र ने फरवरी को जारी एक रिपोर्ट में बताया कि हवाई हमलों और आत्मघाती बम विस्फोटों के चलते पिछले साल काफी ज्यादा अफगानी नागरिक मारे गए थे। 2014 के बाद से हर साल हवाई हमलों के चलते ज्यादा बच्चों की मौत हुई है।